नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिला उत्पाद कार्यालय मोतिहारी का निरीक्षण किया। मालखाना निरीक्षण के क्रम में सीसीटीवी कैमरे, मालखाना संधारण पंजी, जब्त शराब एवं नशीले पदार्थों को उन्होंने स्वयं देखा। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शराब विनिष्टीकरण अविलंब रूप से कराना सुनिश्चित करें, साथ ही शेष विनिष्टीकरण हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि वाहन नीलामी की प्रक्रिया को शीघ्र सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने सुरक्षा कर्मियों के ठहरने हेतु बैरक अथवा शेड निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही जिला उत्पाद कार्यालय की साफ सफाई, स्वीपर की व्यवस्था हेतु उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा, प्रभारी पदाधिकारी आपदा, उत्पाद अधीक्षक, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती के अवसर पर निहायत एहतराम से जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया। गौरतलब है कि इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का शरीफ की धरती पर पैदा हुए थे। इसको लेकर केसरिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अनीसुर रहमान चिश्ती ने केसरिया मदरसा में आयोजित ईद मिलादुन्नबी की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने गरीबों, विधवाओं, असहाय लोगों की सहायता किया। अरब के लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे, बेटियों को जिंदा दफन करने की प्रथा को समाप्त किया, मानवता की इज्जत, मान मर्यादा को बढ़ाया, आपसी सद्भाव का माहौल पैदा कर समाज में नफरत को जड़ से मिटाया, समाज से त्रुटियों को समाप्त किया और एक खुदा की इबादत करने का तरीका सिखाया। इस अवसर पर प्रखंड के विभिन्न मदरसों, मस्जिदों की ओर से जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया और मिलादुन्नबी की महफिल सजाई गई। इस मौके पर नगर अध्यक्ष रिंकू पाठक, समाज सेवी श्याम बाबू प्रसाद सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मजहब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। आप 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का की सरजमीन पर हज़रत सैयदा बीबी आमना की गोद में हज़रत अब्दुल्लाह के घराने में पैदा हुए। नहायत आनोबान शान के साथ आपकी विलादत बासआदत हुई और सारी कायनात के लिए रहमत बना करके आपको भेजा गया। तमाम नबियों ने आपका खुतबा पढ़ा, आपकी अजमत बयान की और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो इंसानियत के लिए काम किया, अमन व सलामती के लिए काम किया, कौमी यकजहती के लिए जो काम किया, दुनिया से जिस तरीके से जराइम व क्राइम का खात्मा किया, अखुवत व मुसावात, भाईचारगी, अदल इंसाफ की फिजा कायम फरमाई, ये तारीख का एक सुनहरा अवसर है। और जब भी 12 रबीउल शरीफ की तारीख आती है, आशिकान मुस्तफ़ा कायनात के हर गोशे में मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में कसीदा पढ़ते हैं, नात पाक और दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं और जुलूस मोहम्मदी निकाल कर बारगाह रिसालत में खराज अकीदत पेश करते हैं और उनके अमन व शांति के पैगाम को आम करना आज के लिए, इस दौर के लिए नहायत अहम ज़रूरी है। इसलिए हम तमाम देशवासियों को 12 रबीउल शरीफ जश्न ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं पेश करते हुए ये दुआ करते हैं कि खासकर मुल्क हिंदुस्तान में अमन आश्ती की फ़िज़ा कायम हो, देश की तरक्की और खुशहाली के लिए हम दुआगो हैं और हमेशा ऐसी दुआ होनी चाहिए कि मुल्क में अमन आश्ती की फ़िज़ा कायम हो, कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया जाए। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का सबसे बड़ा पैगाम है। बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS सह नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्षता में परियोजना कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय महिला मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग और दहेज मुक्त झारखंड की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंधु मिश्रा ने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर एक साझा मंच तैयार करने की आवश्यकता है।
इसके लिए महिला सशक्तिकरण में काम करने वाली सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर बाल विवाह और दहेज प्रथा के रोक के लिए एक नेटवर्क तैयार करने की आवश्यकता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम शशिकांत पासवान ने कहा कि महिला एवं बाल विकास निगम और सेव द चिल्ड्रेन पूरे जिले में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए लगातार काम कर रही है और इस कार्य में उन्हें सफलता भी मिल रही है। इस अवसर पर मौजूद अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण के सुगौली में बिजली के नए मीटर लगवाने वाले उपभोक्ता आजकल काफी परेशानी झेल रहे हैं। आरोप है कि अगर किसी उपभोक्ता ने नए मीटर के लिए अप्लाई किया है तो उसे एक महीने से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि लोग अपना काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। इसके बावजूद भी बिजली ऑफिस में बैठे अधिकारी कुछ सुनने को तैयार बिल्कुल नहीं हैं और उपभोक्ता दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। गांव के कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। जब इस संबंध में कनीय अभियंता राजीव रंजन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि एजेंसी को मीटर लगवाने के लिए मिला है, बहुत जल्द मीटर लगा दिए जाएंगे। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया खास में धान की फसल जबरन काटने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामले को लेकर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गोपालपुर निवासी मोहम्मद जलालुद्दीन ने स्थानीय थाने में दिए आवेदन में बताया कि सोमवार की सुबह जब वे अपने खेत में लगी फसल को देखने गए तो देखा कि श्रीपुर गोपालपुर निवासी खलील हवारी, अनवर हवारी बंजरिया के सलेहा, साजिद व रक्सौल के समीमा धान की फसल काट रहे हैं। जब उन्होंने उन लोगों को रोका तो हत्या करने के नियत से हंसुआ लेकर मारने दौड़ पड़े। सुनिए पीड़ित ने क्या कहा। आकर के हमने पूछा जाना से जे आप लोग किधर आए हैं, तो बोल रहे हैं धान कटनी करना है। हम बोले कहाँ पे धान कटनी करना है, तो वो लोग बताया नहीं। हम बोले अपना कहीं कटिंग करने जा रहा होगा लोग। मैं आगे बढ़ा तब तक देखा जे हमारे ही जमीन में जो हमने धान का फसल लगाया था अभी धान पका भी नहीं है और उसको उन लोगों ने काटने लगा अचानक। हमने दौड़ के आया जो भाई मेरा धान लगाया हुआ आप लोग काहे काट रहे हैं, तो सारे लोग हंसुआ लेकर के हमको जानलेवा हमला करने का कोशिश किया। हम भाग के चले गए, जा करके गांव में हल्ला किया, वहां पे आए लोग प्रशासन को फोन किए, प्रशासन यहां पे चौकीदार को भेजने के बाद आकर के रोक लगाया गया। वहीं थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि पुलिस आवश्यक कार्यवाही में जुटी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज। सच की आवाज। नमस्कार।